एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर, क्यू वैल्यू का फाइनल एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1/r अंडर रूट ऑफ एल सी, एनसीईआरटी में भी हमने किया ये, पर एक्चुअल में मैंने सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवा दी, क्या वोल्टेज डेवलप अक्रॉस एल या सी अपॉन वोल्टेज डेवलप अक्रॉस आर, ऐसे करवाया था मैंने, उसके बाद मैंने वो एनसीईआरटी की बुकलेट में करके दिखाया और फटाफट आंसर आ गया, ऐसे ही था। एक्चुअल में वो डेफिनेशन चुरा रखी है इसमें से, एक्चुअल में वो डेफिनेशन ही, एक्चुअल में तो कहानी यहां से स्टार्ट है, यहां से कैसे, इसके अंदर आपको रेजोनेंस के ऊपर जेड किसके इक्वल गिवन होगा, आर के। तो जेड होता क्या है, ये जेड होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल कर दिया हमने, आर के। अब आर नहीं किया, रूट टू आर किया, ऐसा क्यों किया हमने, रूट टू आर क्यों किया, वापस चलते हैं डायग्राम में, ये देखो ईएमएफ डिवाइडेड बाय, हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं ओमेगा वन ओमेगा टू में, हम यहां और यहां कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर रेजिस्टेंस आर नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है, रूट टू आर। तो जेड की जगह यहां पर हमने क्या पुट कर दिया, रूट टू आर, इसे हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके ओपन किया, तो स्क्वायर करके जब हमने अंडर रूट लिया तो ये प्लस माइनस आर आया। तो एक बार आर पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ओमेगा को ओमेगा वन लिख लिया, अगर आर पॉजिटिव है तो सेकेंड रूट क्या लिख लिया, ओमेगा टू लिख लिया, तो ओमेगा वन ओमेगा टू। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, ऐड करके एल की वैल्यू आ गई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा वन ओमेगा टू की वैल्यू आ गई। इसको ना फॉर्मूला के तौर पे आप प्लीज स्टार लगा लो, प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, हालांकि एनसीईआरटी की किताब में पूरा गिवन है, एक पेज का आज तक आया नहीं है, आना मुश्किल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर हो सकता है ये फॉर्मूला काम आ जाए, तो एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। दूसरा, इसमें अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करने पे ये टर्म आएगी ओमेगा वन ओमेगा टू, इसके इक्वल पुट कर देते हैं, सॉल्व करके ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन आ जाएगा, सॉल्व करके ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन आ जाएगा। इसको डालो बॉक्स में, इसका फॉर्मूला याद करो, क्यों, क्योंकि इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ। तो किसी न्यूमेरिकल में अगर बैंड विड्थ काम आ जाए तो आर बाई एल फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला सेकेंड फॉर्मूला नोट करो इसमें, ठीक है। तो ओमेगा टू इंटू ओमेगा वन याद हो गया, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन हो गया। अब बात करते हैं क्यू वैल्यू की, क्यू वैल्यू की डेफिनेशन क्या थी, ओमेगा आर डिवाइडेड बाई टू इंटू बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ही थी। तो इसमें ये जो डिफरेंस आया ना, ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं, टू इंटू डेल्टा ओमेगा, यही था। तो आप पूरे इसकी जगह ये टू काट दो, गलती से लिखा गया, तो पूरा टू इंटू डेल्टा ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, आर बाय, वो क्या आ गया आपके पास, क्यू वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्यू वैल्यू आ गई, तो क्यू वैल्यू की वैल्यू क्या आ गई, एल इंटू ओमेगा आर बाय आर, क्लियर है यहां तक, ठीक। इसके अंदर क्यू वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ गई, एक काम करो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो आई आर एम एस से, ये एल ओमेगा क्या होता है, एक्सएल, तो ये क्या बन गया, आई इंटू एक्सएल, ये क्या बन गया, आई इंटू आर, ये क्या है, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टर। इसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है ऑलरेडी, हमने एनसीईआरटी के बुकलेट के अंदर भी किया, तो कि यहाँ पर पुट कर देंगे ओमेगा आर की जगह वन बाय रूट एल सी, आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ये प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर पेपर में आ गया तो आप भी फिर पार्ट ऑफ जो डेफिनेशन से शुरू करोगे, एक आध नंबर में आता है जो भी आता है, बट समझ में आ रहा है क्या करना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको।